Hello students, welcome to the another lecture of a solution. In our previous lecture, we discussed what is mole fraction, what is molality, what is molarity. We also completed one numerical based on the equation for mole fraction. In this lecture, we are going to discuss only the numerical based on equation for molarity and molality. Okay, let's start this lecture. Okay. We have a question that we have to calculate molarity. We have to calculate molarity of a following solution. We start with the first solution. हम पहले जो हमारा first solution है उसे start करने वाले हैं. In this solution we have mass. Of a cobalt nitrate. कितना है मास? मास होगा 30 ग्राम. वी हैव मास ऑफ ए कोबाल्ट नाइट्रेट व्हिच इज 30 ग्राम. देन वी हैव वॉल्यूम. फर्स्ट वी हैव मास ऑफ ए सॉल्यूट. मास ऑफ ए सॉल्यूट हियर कोबाल्ट नाइट्रेट इज सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन. वी हैव आल्सो 4.3 लीटर सॉल्यूशन. मींस वी हैव volume, we have volume of solution. We have volume of solution which is 4.3 liter. Okay, and we have to find that in this solution molarity. हमें क्या find करना है? तो इस solution, ये जो solution है उसमें molarity कितनी है? So the equation for the molarity is molarity capital M is equal to moles of solute divided by volume of solution in liter. Molarity हमें find करनी है. हमारे पास volume दिया गया है और हमें कैसे भी सॉल्यूट्स जो है, मतलब कि यहाँ पे हमें किसका लेना है, तो मोल सॉल्यूट के तौर पे कौन है? कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 ट्वाइस 6H2. ठीक है, ओके. चलो, तो मोल्स तो नहीं है हमारे पास, यहाँ जो वैल्यू दी गई है उसमें मोल्स तो अवेलेबल नहीं है, पर हमें पता है कि मोल्स क्या होते हैं. तो मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलिक्यूलर वेट. मास बाय मोलिक्यूलर वेट, यहाँ पे हमें सॉल्यूट के मोल्स ढूंढने हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इज इक्वल टू मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डिवाइडेड बाय, तो बोले के लिए कंपा डाल देता हूं, मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इज इक्वल टू मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2. मोलिकुलर वेट कैसे गिना जाता है वो मैंने कल भी बताया था, और आप 11 स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ के आए, ठीक है ना, देख लेते हैं. तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू बी आर कोबाल्ट इज 1 देयरफॉर 1 इनटू कोबाल्ट नाइट्रोजन इज 2 ऑक्सीजन इज 3 इनटू 2 6 एंड दिस इज 6 सो 12 ऑक्सीजन. ठीक है, आप यहां पे गिनोगे तो 12 ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन इज आल्सो 12 सो 12 हाइड्रोजन. ओके, you have to know that the cobalt atomic mass of a cobalt is 59, therefore 1 into 59, 2 into 14, 2 into 16 plus 12 into 16 into plus 12 into 1, so here 59 plus 28 and 60, so 160 ho jayega, 160 32, यहाँ पे 192 ये आएगा, प्लस 192, ये जो है वो 192 आ गया क्या?
तो आइए ठीक है रुको, 12 एंड 16 एंड 12 तो आ जाएगा 160 एंड यहाँ पे आ जाएगा 32 ठीक है। ये आप ऐसा कैलकुलेशन जो भी तो ये आएगा 192 आपका आ जाएगा ठीक है। चलो 192 तो सही है ठीक है, 192 आ गया ये और प्लस 12 ये इसका सम कितना होगा हम देखते हैं। 9 और 8 का होता है 17 और 2 19 और 2 21 दो पे गए यहाँ पे 7 ठीक है, ये 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 2 9 9 और 9 18 और 1 18 और 1 कितना होगा 18 और 1 19 होगा, 1 ऊपर चला गया 1 यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे 2 तो ये आप इसका सम करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट 291 मिलने वाला है। इसका सम करने के बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट कितना मिलेगा तो 291 मिलेगा ठीक है। ठीक है अभी हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर मास तो अवेलेबल है ही पहले से, आपको क्या करना है ये जो मॉलिक्यूलर वेट आपने लिया फाइंड किया उसको वहां पे रखना है ऐसे ठीक है ना। सो मत जाना बने रहना मेरे साथ। तो मोल क्या मोल्स कितने हो जाएंगे, मास कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 30 ठीक है, कितने हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 291 30 डिवाइडेड बाय 291 क्या है हमारे पास यहाँ पे मोल्स ठीक है। तो मोल्स हमें मिल गए गोपाल नाइट्रेट के मोल्स हमें मिल गए जिसको हमें यहाँ पे रखना है इस इक्वेशन के अंदर। ये जो मोलारिटी का इक्वेशन है उसमें हमें ये जो मोल्स की वैल्यू मिली है उसको हमें रखना है। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी ठीक है कैपिटल एम हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 291। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम लीटर में लेना था हमें दिया लीटर में ही है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.3 ठीक है हो गया 4.3। अभी आपको कुछ नहीं कहना है सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है और जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में लिख देना है यूनिट उसका किसका मोलारिटी का मोल पर लीटर ठीक है। ये इसका आंसर इसका कैलकुलेशन ये जो कैलकुलेशन है उसका आंसर मुझे कमेंट करके आपको बता आप मुझे कमेंट करके बताओगे ठीक है। चलो कोई क्वेरी तो नहीं होगी अभी, मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी था। वैसे भी मैंने जो होमवर्क में दिया था वो भी आपने किया ही होगा, बहुत ईजी था वैसा ही कुछ था ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट दे लो बाद में मैं आपको देता हूँ, स्क्रीनशॉट दे दीजिए आप लोग। चलो मैं आपको देता हूँ हो गया। चलो तो मेरे ख्याल से आप पढ़िए हो गए, कब ये स्कूल खुलेगी हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे हमारा काम क्या है। सर आप वीडियो भेजते हो हम देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, अच्छी बात पढ़ो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको आपके लिए अच्छा होगा। ट्वेल्थ में हो अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है अच्छे मार्क्स से ही है ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन में मोलारिटी कितनी थी ठीक है, उसका आंसर आप कैसे ढूंढना है वो मैंने बता दिया है। ये यहाँ पे आप उसका आंसर लास्ट में यहाँ पे आंसर करके आपको यहाँ पे लिखना होता है, ए का आंसर ये आया और बी का आंसर ये आया। ये हमने ढूंढ लिया है, बी हम ढूंढने वाले हैं ठीक है। चलो बी के बारे में क्या है, तो हमें हमारे पास सॉल्यूशन कैसा आता है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 है उसको डाइल्यूट किया गया है 500 ml से ठीक है। तो इसके लिए आपको ना डाइल्यूशन फॉर्मूला बताना चाहिए, डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, तो M1V1 = M2V2 ठीक है, M1V1 = M2V2। ये अगर आपको नहीं पता है तो एक काम करो आप अपनी नोटबुक में कहीं पे भी कोई अलग पेन से लिख दो जिससे कि आप जब पढ़ने बैठो तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए M1V1 = M2V2। यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें M1 हम मान लेते हैं हमारे पास 0.5 मोलर H2SO4 है, 30 ml वॉल्यूम है ना तो 31 ml 30 ml हो गया
M2 हमें फाइंड करना है, M2 हमें फाइंड करना है और डायल्यूटेड विद 50 ml, मतलब के V2 कितना है, तो यहाँ पे 500 ml है हमारे पास, कितना है हमारे पास 500 ml है। सभी वैल्यू दी गई है आपको, इनपुट कह दिए और कैलकुलेशन कह दिए हैं, तो M1V1 is equal to M2V2, ठीक है, 0.5 into 13 is equal to M2 is equal to into 500 ml, therefore M2 is equal to 0.5 के बदले मैं इसको 5/10 लिखता हूँ, यहाँ पे ये 30 ml हो गया और divided by 500 ml, ये और ये कट हो जाएगा और यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो M2 यहाँ पे कुछ आपको क्या मिलेगा, तो 0.03 कुछ मिला है, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। देखो ये बहुत इजी था, आपको सिर्फ ये इक्वेशन आना चाहिए, ये इक्वेशन मेन था, ठीक है ना, ये इक्वेशन जो था वो मेन था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन हो जाए, आप सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल को, तो लास्ट में आंसर लेके आपको लिखना है कि M2 कितना आया, तो 0.03 मोल, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M भी लिख सकते हो या मोल अपन लीटर, इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही उसके यूनिट है, हमने डिस्कशन कर दिया, ओके। और जो भी A का आंसर आता है उसकी मोलारिटी का, तो जो आंसर आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है उसका यूनिट के लिए, ओके। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है सेकंड न्यूमेरिकल हमारा, इसमें हम मोलारिटी का यूज करने वाला है, जो मोलारिटी का फॉर्मूला हमने देखा था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्या था फॉर्मूला, तो मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये था हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैलकुलेट करना है मास किसका, तो यूरिया का, यूरिया का मास हमें फाइंड करना है ये इन दो सॉल्यूशंस में, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इससे, फर्स्ट हमारा जो ए है उससे हम स्टार्ट करेंगे, क्या बोला गया है कि 2.5 किलोग्राम ऑफ 25.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन, हमें दो वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे दी गई है, सबसे पहले तो मोलारिटी हमें दे दी गई है, मोलारिटी स्मॉल m कितनी है, तो 0.25। दूसरा हमें दे दिया गया है कि एक्वियस सॉल्यूशन है उसका मास, मतलब कि मास ऑफ ए सॉल्यूशन w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2.5 किलोग्राम। इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 2500 ग्राम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्यों ग्राम में कन्वर्ट किया है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे मास ऑफ ए सॉल्यूशन दिया है और हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ ए सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ ए सॉल्वेंट, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे WB जो है, WB हमें फाइंड करना है, मास ऑफ ए यूरिया जो है वो हमें फाइंड करना है, मास ऑफ ए यूरिया जो है वो हमें फाइंड करना है, और जो WA है, WA का यूज हम, मतलब कि इस तरीके से WA is equal to W minus WB, इस इक्वेशन का जो हम यूज करने वाले हैं वो किसमें, मोलारिटी का जो इक्वेशन होगा, मैंने बताया था मोलारिटी का इक्वेशन क्या, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, ठीक है ना। तो इसका यूज हम मोलारिटी के इक्वेशन में करने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद ही हम करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ आया कि मास ऑफ सॉल्वेंट कहां से आ गया, तो इस इक्वेशन से हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी एक चीज,
इस इक्वेशन में जो डब्ल्यू बी है मतलब मास ऑफ यूरिया है वो ग्राम में होने वाला है, यूनिट जो होगा उसका ग्राम में होने वाला है, इसीलिए ये सभी का यूनिट जो है वो ग्राम में ग्राम होगा, इसीलिए ये मैंने कन्वर्ट किया है। तो डब्ल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2500 ग्राम माइनस डब्ल्यू बी, तो ये हमें मिल गया। ये क्या मिल गया? मास ऑफ ए सॉल्वेंट, हमें मास ऑफ ए सॉल्वेंट मिल गया ना। ठीक है, अब हम देखते हैं मोलारिटी के इक्वेशन में हमें और क्या चाहिए। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे जो मास आया है वो ग्राम में आया है, डब्ल्यू ए जो आया है वो ग्राम में आया है। हमें मोल्स सॉल्यूट के लिखना है, मोल्स के बारे में हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय क्या होता है तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमें किसका मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है, तो ये मोल्स हम किस मास हमें किसका ढूंढना है, यूरिया का ढूंढना है। तो ये मोल्स भी हमें यूरिया के ढूंढ रहे हो गया हम, और यूरिया क्या होता है तो NH2 ये होता है हमारा यूरिया। तो यहाँ पे N कितने हैं 2, तो 2 × 14, हाइड्रोजन कितने हैं 4 प्लस 4 × 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 × 16, कार्बन 1 है 1 × 12। ठीक है, ये कितना हो गया 28 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 12, ठीक है ये हो जाता है 20, और ये हो जाता है हमारा 40। तो आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, इसका यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया यहाँ पे 60 ग्राम अपन मोल। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये मॉलिक्यूलर वेट मिल गया किसका, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल गया। ठीक है ना, चलो तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट को रखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो मॉलिक्यूलर वेट आप लिख लो बाजू में कहीं भी नोट में, 60 होता है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है। अब ये पूरा जो मोल्स का इक्वेशन है इसको हमें कहाँ पे, यहाँ पे रखना है। ठीक है, रख देंगे हम लोग। चलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है तो यूरिया, क्या है तो यूरिया। ठीक है, चलो मास ऑफ ए यूरिया ये हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना था, तो मॉलिक्यूलर वेट आया था हमारा 60 मॉलिक्यूलर वेट आया था, और डिवाइडेड में ये क्या तो मास ऑफ ए सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ ए सॉल्वेंट 2500 माइनस डब्ल्यू बी इन ग्राम, और ये क्या है मास ऑफ ए सॉल्वेंट है। ठीक है, मास ऑफ ए सॉल्वेंट है ग्राम में, यहाँ पे हमें किलोग्राम में रखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2500 माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम में हमें यहाँ पे इतना रखना है कितना, तो 2500 माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये हमें रखना है। चलो हाँ, अभी इसको कैलकुलेट करना है और हमें मास ऑफ यूरिया जो हम ढूंढने वाले थे वो मिल जाएगा सर, बहुत ही अच्छा बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो ये थोड़ा बहुत मैं कैलकुलेट करके देता हूँ, बाद में आप ही को खुद से ही घर से ही करना है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मोलारिटी दी गई है वो हम यहाँ पे रखेंगे कितनी है, तो 0.25 होगी। ठीक है, ये आपके पास 0.25 है मोलारिटी, ये पूरा कर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2500 माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय 60। ठीक
ठीक है, इसको भी ऊपर ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ऊपर ले लिया तो यहाँ पे हो गया 600, ठीक है। अब ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर आप ये आप कैलसी से कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आए, ठीक है, वो हो जाएगा मास ऑफ यूरिया, ठीक है। इसको थोड़ा और, चलो ठीक है, ये आप लोग एक काम करो, अभी इस कैलकुलेशन इसकी करो, पहले क्या करना है, 60 × 0.25 आपको करना है, 60 × 0.25 इसका मतलब होता है 1/4 होता है, 1/4 इंटू क्या करोगे आप, 60 करोगे, 1/4 इंटू 60 करोगे, इंटू क्या होता है तो 2500 माइनस WB डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, WB है, WB मास ऑफ ए सॉल्यूट, मास ऑफ ए यूरिया, सॉल्यूट यहाँ पे यूरिया, ये यहाँ से कितने में कट होगा तो 15 × 4 कितना होता है तो 60 होता है ना, 15 × 4 60 होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1000 में यहाँ से निकालूंगा तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। चलो अभी तो आपके लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा और करके दे देता हूँ, 0.015 × 2500 माइनस 0.015 × WB = WB, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस, तो 0.015 × 2500 = आपका आ जाएगा WB = 1.015, तो WB अब तो बहुत इजी हो गया है, 0.015 × 2500 / 1.015, इसका अभी कैलकुलेशन करूं, जो आया वो आपका आंसर क्या है, वो WB मतलब मास ऑफ ए यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सॉल्यूशन जो था उसमें मास ऑफ यूरिया कैसे ढूंढना है वो पता चल गया, ये कैलकुलेट कर दो, जो भी आंसर आए कमेंट में लिख दो, ठीक है। चलो चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, बाद में सेकंड सॉल्यूशन वाला जो हमारे पास यहाँ पे है वो हम करें, वो तो बहुत ईजी है वैसे, ये भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, चलो ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। चलो अभी आप अगर नहीं हुआ है तो मेरी ब्लॉग भूल नहीं है, वो मैंने आपको टाइम दिया था, एक काम करो पीछे रिवाइंड करो वीडियो को और देख लो। चलो अब सेकंड क्या है वो देखते हैं। चल सेकंड क्या है, 0.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन यूजिंग 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है, यहाँ पे वाटर मतलब ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, तो ये तो बहुत इजी हो गया। अभी ने तो क्या किया है, हमें बोला है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी 0.25 है, ये आपको बोल दिया गया, और सॉल्वेंट का मास WA भी दे दिया गया, सॉल्वेंट का मास WA है वो भी दे दिया गया 2.5 किलोग्राम है वो भी दे दिया गया, ठीक है ना, वो भी किलोग्राम में दे दिया, ठीक है। तो अभी सर जी मोलारिटी का इक्वेशन ये हमें नहीं पता था हम कैसे गिने, तो वो तो मैंने करवाया है, वो तो आपको 11th में भी आया था, वो तो आपको याद करना, ठीक है। चलो मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है वहां पे किलोग्राम में है, सब दिया हुआ है यहाँ पे, मोलारिटी कितनी है तो 0.25, मास ऑफ वाटर कितना है भाई 2.5 है सर जी, 2.5 मोल ऑफ यूरिया, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन करो, कैसे करोगे सर, हमें तो नहीं आता सर, कैलसी यूज करें तो ठीक है, कैलसी यूज कर सकते हो तो करो, हम ऐसा ही करने वाले हैं, 1/4 25 डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया। मोल्स का मतलब क्या होता है सर जी, मास ऑफ ए यूरिया होता है, मास ऑफ ए यूरिया होता है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया होता है, मोल्स का इक्वेशन क्या है, तो मास ऑफ ए यूरिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो हमें पता है 60 होता है, कितना होता है तो 60 होता है, तो अब क्या आ जाएगा, WB कितना आ जाएगा, 1/4 20
5 by 10 into 60, ये गया, ये भी गया, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है, 75 by 2 आ गया सर, 75 by 2, अभी इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो कैसे, 2, 7 मतलब 3 से कट होगा, 3 से कट होगा, और तो देखते हैं यहाँ पे, 75 into 2, 3 is a 6, 35 divided by 2 है ना, तो 2, 3 is a 6, ये 1, ये 15, 2, 7, 1 by 4, 1.0, ये point यहाँ पे रखेंगे, 2 into 5, 10, ठीक है, चलो ये यहाँ से कट हो गया, तो आपका answer आ जाएगा, यहाँ पे 37.5, तो second solution में mass of solution, mass of urea कितना है सर, तो 37.5, कितना है सर, 37.5, ठीक है, तो ये अभी पता चल गया होगा, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, चलो, ठीक है, चलो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, गिव कमेंट्स, ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आदित्य शिंदे, थैंक यू फॉर वॉचिंग.